आज के वीडियो में हम डी मैक के बारे में समझेंगे तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो पे आ, सबसे पहले हम समझते हैं डी मैक क्या होता है डिफाइन मेजर एनालाइज इम्प्रूव कंट्रोल ये डी मैक का फुल फॉर्म होता है जो कि फाइव फेसेस में डिवाइड किया हुआ है डी मैक सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी का एक इंटीग्रल पार्ट है ये क्वालिटी ड्रिवन स्ट्रेटजी पर है जिसको कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है प्रोसेस मेकअप के लिए डी मैक फाइव फेसेस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि इम्प्रूवमेंट टूल्स भी इंक्लूड होते हैं इन टूल्स के बारे में हम आगे समझेंगे वीडियो में चलिए अब डी मैक के एक्रोनिम को समझते हैं डी फॉर डिफाइन एम फॉर मेज़र ए फॉर एनालाइज आई फॉर इम्प्रूव एंड सी फोर कंट्रोल ये डी मैक का फुल फॉर्म होता है जो कि फाइव फेसेज में डिवाइड किया हुआ है चलिए अब इन फेसेस को एक एक करके समझते हैं सबसे पहले हम समझेंगे डिफाइन डिफाइन क्या होता है डिफाइन फेज में डिफाइन फेज में प्रॉब्लम्स इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट गोल्स और कस्टमर रिक्वायरमेंट को ब्रीफली डिफ़ाइन किया जाता है अभी इसके टूल्स को देखते हैं डिफाइन के कौन कौन से टूल्स हैं सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट चार्टर फोकस स्कोप डायरेक्शन मोटिवेशन फॉर इम्प्रूवमेंट टीम को डिफाइन करने के लिए प्रोजेक्ट चार्टर uh, का यूज़ किया जाता है इसका सेकेंड टूल uh, है डिफाइन का वी या फिर वॉइस ऑफ कस्टमर कस्टमर फीडबैक को समझने के लिए वी या वॉइस ऑफ कस्टमर का यूज़ किया जाता है इसका थर्ड टूल है वैल्यू स्ट्रीम मैप इंटायर प्रोसेस के ओवरव्यू को लिए वैल्यू स्ट्रीम मैप का यूज़ किया जाता है चलिए अब देखते हैं मेज़र मेज़र क्या होता है मेज़र uh, फेज में परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है जो भी हमारी प्रोसेस है उसके परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है प्रोसेस में जो प्रोसेस में जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रोसेस मैप का यूज़ किया जाता है प्रोसेस मैप मेज़र का एक टूल है कैपेबिलिटी एनालिसिस प्रोसेस के लिए एबिलिटी चेक की जाती है कि वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर भी सकती है या नहीं कैपेबलिटी एनालिसिस भी एक टूल है और पर्याटो चार्ट को समझते हैं जो कि हमारा मेज़र का लास्ट टूल है प्रॉब्लम या कॉज की फ्रिक्वेंसी एनालिसिस के लिए पर्याटो चार्ट का यूज़ किया जाता है चलिए हम हमारे नेक्स्ट फेज को देखते हैं जो कि एनालाइज इसको समझते हैं इस फेज में प्रोसेस एनालिसिस करने के बाद वेरिएशंस के रूट कॉज को डिटरमाइन किया जाता है चलिए भी इसके टूल देखते हैं एनालाइज के टूल सबसे पहला टूल है रूट कॉज एनालिसिस रूट कॉज एनालिसिस से वेरियस कॉसेज को डिफ़ाइन किया जाता है नेक्स्ट टूल है हमारा एफ एम की हेल्प से पॉसिबल प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस फेलियर को आइडेंटिफाई किया जाता है नेक्स्ट फेज है मल्टीवेरी चार्ट प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए मल्टीवेरी चार्ट का यूज़ किया जाता है चलिए हम नेक्स्ट फेक्स देखते हैं जो कि है इम्प्रूव कंट्रोल फेज में रूट कॉज एलिमिनेशन से प्रोसेस परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है चलिए अब इसके टूल देखते हैं सबसे पहले डी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ किया जाता है इसका नेक्स्ट uh, टूल है काइजन इसको समझते हैं नेहरू प्रोजेक्ट्स में रैपिड चेंज के लिए काइजन का यूज़ किया जाता है चलिए अब हमारे लास्ट फेज़ देखते हैं जो कि है कंट्रोल डी मैक की लास्ट फेज़ uh, इस फेज़ में इम्प्रूव प्रोसेस और फ्यूचर प्रोसेस परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है चलिए अब इसके टूल देखते हैं सबसे पहला है क्वालिटी कंट्रोल टू क्वालिटी कंट्रोल प्लान टू डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ नीडेड टू कीप एन इम्प्रूवड प्रोसेस इट्स करंट ट्रेवल क्वान्ट क्वालिटी कंट्रोल प्लान और डॉक्यूमेंटेशन से जो भी हमारे इम्प्रूव प्रोसेस का करंट uh, लेवल है uh, उसको कंटीन्यूस कंटीन्यूस मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल प्लान का यूज़ किया जाता है हमारा नेक्स्ट रूल है एस पी सी से प्रोसेस बिहेवियर की कंटीन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है फ़ाइव से हमारा नैक्सूल वर्क प्लेस की विजुअल कंट्रोल के लिए फ़ाइव एस इंप्लीमेंट किया जाता है और पोकायोग पोकायोग से एरर्स के चांसेस को नेग्लिजिबल हो जाते हैं और अगर एरर्स आते भी हैं तो इमीडिएट डिटेक्ट हो जाते हैं चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग